सो हाई एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शशि कुमार, करंटली आई एम पर्सुइंग माय थर्ड ईयर एमबीबीएस। तो कॉलेज में मेरे 3 साल हो गए, मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंसेस है, काफ़ी कुछ इस वीडियो में तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हारे अंदर बहुत सारा डाउट है कि भैया क्या एमबीबीएस में पढ़ाई सिर्फ होता है, क्या एमबीबीएस में कोई मस्ती नहीं होता, क्या एमबीबीएस में पार्टी वार्टी नहीं होता, खेल कूद नहीं कर सकते हैं। हर एक डाउट तुम्हारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। यार मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ, 3 साल से ज़्यादा मैंने कॉलेज में रह लिया, काफ़ी कुछ मैंने देखा है एंड अलग अलग कॉलेज में मैंने घूमा है, तो मुझे बहुत चीज़ें आइडिया है कि क्या हर कॉलेज में होती है। तो यार इस वीडियो में मैं तुम्हें इन्हीं सब चीज़ों पे बात कर रहा हूँ और काफ़ी कुछ चीज़ें मैं तुम्हें दिखा भी रहा हूँ, काफ़ी कुछ चीज़ें सिखा भी रहा हूँ। तो यार एज़ यूजुअल हर संडे को मैं कोशिश करता हूँ कि एक ब्लॉग टाइप का वीडियो तुम्हारे लिए डालूं रिलेटेड टू एमबीबीएस, सो दैट कि तुम्हारे अंदर एक छोटा सा मोटिवेशन हमेशा मेंटेन रहे, एक होप मेंटेन रहे कि यार कॉलेज में जाके हमें भी इन सब चीज़ों को फेस करना है, हमें भी इन सब चीज़ों को एंजॉय करना है, हम भी ये लाइफ जी रहे होंगे कॉलेज में आने के बाद। तो यार वीडियो को हम यहाँ शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आया तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि यार तुम बस मेरे को यही दे सकते हो, सब्सक्राइब करके एक छोटा सा मोटिवेशन दे सकते हो, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टार्ट। तो यार हम लोग की जो डे की शुरुआत होती है ना, अप्रॉक्स 7:30 मॉर्निंग्स होते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट का। मेरा थोड़ा सा अलग है कि मैं 5:30 बजे उठता हूँ और मुझे जिम जाना होता है, वहाँ के आने के बाद मेरा क्लास स्टार्ट होता है 7:30 बजे मॉर्निंग। 7:30 का मॉर्निंग का जो क्लास होता है उसमें बहुत ही कम स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। तो वो जो क्लास होता है सबसे पहला क्लास होता है मॉर्निंग में, उसके बाद जो क्लास होता है वो 8:30 से 9:30 तक होता है, मतलब अप्रॉक्स 1 आवर की क्लासेस होती है, ठीक है। तो हम लोग की थर्ड ईयर में जो सब्जेक्ट्स हैं वो 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज PSM, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, ठीक है। उसके बाद ENT, ईयर नोज एंड थ्रोट, जो तीनों ऑर्गन पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्थैल्मोलॉजी होता है जिसमें हम आँख के बारे में पढ़ते हैं, और एक होता है FMT फॉरेंसिक मेडिसिन, जो पहले सेकेंड ईयर में था, अब वो थर्ड ईयर में आ चुका। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, इनकी क्लासेस हर रोज नहीं होती, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल्स होते हैं, कुछ सब्जेक्ट के थ्योरी होते हैं, कुछ सब्जेक्ट के क्लिनिकल्स चल रहे होते हैं, इन सब यही सब हर रोज होते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक शेड्यूल बता रहा हूँ। 7:30 बजे हम लोग क्लास जाते हैं, पहला क्लास में बहुत कम बच्चे आते हैं, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होते हैं 8:30 बजे होते हैं, उसमें मैक्सिमम बच्चे आ ही जाते हैं, ठीक है। अब ये जो क्लासेस होते हैं ना, यहाँ पे हमारे टीचर्स आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं, वो पढ़ाते हैं, वो जो पढ़ाते हैं स्लाइड्स के माध्यम से पढ़ाते हैं, ठीक है, स्लाइड्स के माध्यम से। अब यहाँ पे होता है ना कि पहले हम लोग कोचिंग में ऐसा होता है कि टीचर लोग बोर्ड पे लिखवाते हैं, है ना, हम लोग फिर लिखते हैं, वेट करते हैं, टीचर, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे टीचर का प्री प्रिपेयर्ड स्लाइड्स होते हैं, जो स्लाइड्स को बोर्ड पे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको देख के हम लोग पढ़ते हैं। अभी स्लाइड्स में का फ़ायदा क्या होता है, टाइम सेव हो जाता है, मिनिमम टाइम मैक्सिमम टॉपिक वो लोग पढ़ा के चले जाते हैं, वो लोग चले जाते हैं, समझ में कम ही आता है हम लोग, ठीक है। मतलब ये क्लास लगभग 11:30 से 12:30 बजे तक चलती है, उसके बाद एक ब्रेक होता है, लगभग अप्रॉक्स 1 बजे के बाद ब्रेक होता है। उस ब्रेक में हम लोग लंच पे जाते हैं, लंच पे जाने के बाद क्या होते हैं, वहाँ से आए, एज वेल कि इस वीडियो मैंने सैटरडे का लंच दिखाया है तुम्हें, बहुत ही गंदा था, ठीक है। चलो हाँ, तो लंच के बाद हम लोग लाइब्रेरी आते हैं, क्योंकि सेकेंड क्लास भी 2:30 से अटेम्प्ट करना होता है, बीच में हम लोग को लाइब्रेरी आना होता है, जो कि 1-2 घंटा हम लोग यहाँ पर बैठते हैं लाइब्रेरी में, कुछ सेल्फ स्टडी करते हैं। अब इस सेल्फ स्टडी के बाद हम लोग जाते हैं वार्ड पोस्टिंग। तो अभी हम यहाँ पे ऑप्थैल्मोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो कि प्रेपरेटरी से पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे मैं पहले लेक्चर्स वगैरह देख लेता हूँ, वो करने के बाद हम फाइनली सॉल्व करते हैं एमसीक्यू। सो हियर आई एम सॉल्विंग द एमसीक्यूज ऑफ ऑप्थैल्मोलॉजी फ्रॉम प्रेपरेटर, एंड यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो येल्लो कलर में हाईलाइटेड होते हैं, एज यू कैन सी कि काफ़ी सारे पॉइंट जो येल्लो कलर में हाईलाइटेड है, इससे क्या होता है कि पता चलता है मुझे कि पूछ क्या रहे बोलो। फिर जितने भी ऑप्शन होते हैं ना, आप सही करो या फिर गलत, आपको सारे ऑप्शन का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी नीचे मिल जाता है विथ डायग्राम्स। हर क्वेश्चन के नीचे साथ में एक ट्रेजरस होता है, जो कि फ्लैश कार्ड्स के फॉर्म में होता है। इसमें क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें टेबल के फॉर्म में होते हैं, फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में होते हैं, जैसे चीज़ें हम आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में एक रिकमेंडेड वीडियोस होते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो जो क्वेश्चन है किस वीडियो के टॉपिक से पूछा गया है, वो वीडियो वहाँ पे पिन रहता है, ठीक है। अब इस सेल्फ स्टडी के बाद हम लोग जाते हैं वार्ड पोस्टिंग। यहाँ पे वार्ड पोस्टिंग में हम जब आए थे
तो हमें ऑप्थेल्मोलॉजी के वर्ड पोस्टिंग में गए थे, तो यहाँ पे हम काफ़ी कुछ चीज़ें सीखे। तो यहाँ पे मैम टोपिका माइड का ड्रॉप्स डाल रही थी पेशेंट की आँख में, सो दैट कि उनका प्यूपिल को डायलेट कर सके और इनका एग्जामिनेशन बहुत जल्दी हो सके। जो चीज़ें हम लोग वीडियोज वगैरह लेक्चर में देखते हैं ना, जो चीज़ हम लेक्चर में देखते हैं उन सब चीज़ों को वर्ड में जाके विजुअलाइज करने के बाद पेशेंट को जब हम देखते हैं ना, उस समय जब चीज़ें हम सीखते हैं ना, वो दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाता है। अब ये एक इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, मतलब पहले तो टीचर से पढ़ लेते हैं, फिर यह जो हमारा कोचिंग होता है जो नीट पीजी के प्रिपरेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जनरली अब हर कॉलेज में यूज़ करते हैं, फिर टीचर से पढ़ने के बाद वो वहाँ पे वीडियो लेक्चर थोड़ा सा और देखे, थोड़ा सा और नॉलेज हो गया, फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं ना वर्ड पोस्टिंग, तो चीज़ें ना जब कनेक्ट करते हैं ना तो काफ़ी अच्छे समझ में आता है। तो जब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना भैया MBBS टफ होती है क्या, ये सब चीज़ें थोड़ा सा मिथ है, टफ होती है बट इंटरेस्टिंग भी है, समझ में आने के बाद बहुत मज़ा आता है, ठीक है। जब आप रिलेट करना शुरू कर दोगे तो लिटरली मजा आता है। यार काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोग क्लास में हर रोज सीखते हैं, क्लासेस हम लोग का अप्रॉक्स 4 बजे ख़त्म हो जाती है। सो गाइस फाइनली हम लोग की सारी क्लास ओवर हो गई एंड लास्ट क्लास हम लोग का ऑप्थेल्मोलॉजी का था एंड इट्स नाउ ओवर। नाउ वी आर गोइंग टू हॉस्टल एंड हॉस्टल में जाने के बाद आज कुछ गेम वगैरह भी होगा, ठीक है। क्लासेस ख़त्म होने के बाद हम लोग जब हॉस्टल आते हैं तो यार ऐसा नहीं होता है कि हम लोग इन्जॉय नहीं करते। अभी हमारे कॉलेज में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, लाइक हर रोज़ बहुत सारे गेम्स हो रहे हैं, ठीक है। कॉलेज फाउंडेशन डे आने वाला है और पिछले कुछ दिनों में हमारा सरस्वती पूजा हुआ था, उसका मैं कुछ क्लिप्स आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय करा था और ये पार्ट्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ थर्ड ईयर वाले कर रहे हैं, ये इंजॉयमेंट फर्स्ट ईयर वाले भी करते हैं, सेकेंड ईयर वाले भी करते हैं, थर्ड ईयर PG सीनियर SR सब लोग करते हैं। सब लोग यहाँ पे आते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे सीनियर्स आते हैं, अपना परफॉर्मेंस करते हैं, अपना टैलेंट शो करते हैं, ठीक है। तो MBBS में ऐसा है कि हमारे पास टोटल 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इन 19 सब्जेक्ट्स को पूरे MBBS में पढ़ना होता है। अब ये सब्जेक्ट्स का नंबर थोड़ा ज़्यादा है, इसका बुक्स भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हमें दूर से देखने में लगता है यार कि MBBS बहुत टफ है, बट ऐसा भी नहीं कि इन सारे 19 सब्जेक्ट के सारे बुक्स को सिर्फ MBBS में ही पढ़ लेना है, ऐसा भी नहीं है। इन सब चीज़ों को हम धीरे 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 पूरे अपना डॉक्टर वाली करियर में पढ़ते हैं, समझ में आ रही मेरी बात। तो यही है हर रोज़ का हम लोग का रूटीन, क्लासेस शुरू होती है, क्लासेस ख़त्म होती है, बीच में हम लोग क्लास करते हैं, फिर जब हम लोग रूम पे आते हैं, फिर 4 बजे रूम पे आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम लोग का फिर से लाइब्रेरी जाना हो जाता है, फिर से वहाँ पे जाके हम सेल्फ स्टडी करते हैं, फिर करीब 10 बजे तक पढ़ाई करते हैं। अभी हम लोग का कॉलेज में काफ़ी सारे गेम्स चल रहे हैं तो लोग यहाँ पे गेम्स भी खेलते हैं। सर MBBS लिटरली बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, हम लोग बचपन में बहुत लोग सपना देखते हैं कि मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है। उस समय जब हम सपना देख रहे होते हैं ना, हमें पता नहीं होता यार कि हम सपना देख रहे हैं बट हम क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे। हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बड़ा होकर मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, उनको भी ज़्यादा जानकारी नहीं होती आखिर कॉलेज में क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। जब लेकिन हम कॉलेज में जब हम आते हैं ना, फिर हमको यार एक समय के बाद लगता है यार कि चलो मैंने बहुत अच्छा प्रोफेशन चूज करा, यहाँ पे मुझे लिटरली मज़ा आ रहा है, ठीक है, ऐसा वाली फील आती है। सो दिस वाज द ओवरऑल ब्लॉग। आई थिंक तुम्हें ब्लॉग लिटरली बहुत अच्छा लगा, मैंने काफ़ी चीज़ें तुम्हें दिखाया, मैंने काफ़ी चीज़ें तुम्हें बताया, ठीक है। तो यार बस तुमसे एक ही चीज़ चाहिए कि इस वीडियो को लाइक करके जाना एंड चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो तो यार शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, नए वीडियो में इसी एनर्जी के साथ। चलो बाय बाय, पढ़ाई करते रहना।